प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन में पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त जारी कर दी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां पीएम मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी की। हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक कृषि सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। माताओं बहनों के बिना खेती की कल्पना भी असंभव है, इसलिए अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओं बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन भी किए। अब पीएम मोदी कल बुधवार 19 जून को बिहार का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे नालंदा के भग्नावशेष का दौरा करेंगे। बाद में पीएम मोदी बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी आयोजित सभा को संबोधित भी करेंगे। इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईएएस देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति विशेष शामिल होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास से गहरा संबंध है। लगभग 1600 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। वर्ष 2016 में नालंदा के भग्नावशेष को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।